नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। एक नया दिन, एक नई सुबह, और आज की इस सुबह में आपके लिए एक बहुत ही खास न्यूज़, जिसे कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले से अनाउंस किया गया था, विश्वकर्मा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसे कहा गया विश्वकर्मा योजना। क्या है इस योजना के फीचर, किसे मिलेगा इस योजना का फायदा और कैसे मिलेगा इनको फायदा, कब इसे लॉन्च किया जाएगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। विश्वकर्मा योजना का अनाउंसमेंट किया गया 15 अगस्त 2023 को लाल किले से। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में जो भी ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, दोस्तों ट्रेडिशनल वर्कर्स होते क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ट्रेडिशनल वर्कर्स, कोई व्यक्ति लोहार है और वो लोहे का काम करता है, कोई व्यक्ति सुनार है और वो ज्वेलरीज वगैरह का काम करता है, कोई व्यक्ति धोबी है जो कपड़ों को धुलना प्रेस करना, कोई व्यक्ति नाई है जो हेयर ड्रेसिंग वगैरह का काम करता है, कोई व्यक्ति मैसन यानी राजमिस्त्री वगैरह है ना। तो ये सब ट्रेडिशनल वर्कर्स कहलाते हैं। क्षमा करिएगा, ये शब्दों का प्रयोग मैं किसी भी व्यक्ति की जाति को सूचित करने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये सारे शब्द मैं आपको सिर्फ इस योजना को समझाने के लिए कर रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल वर्कर्स शब्द प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपयोग किया गया था, उस शब्द का मतलब क्या है और इस योजना का लाभ किसे मिलने वाला है। तो सोनार, लोहार, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, इन सबको, लेकिन ध्यान रखिएगा स्पेशली फ्रॉम द ओबीसी क्लास, जो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हें बेनिफिट इस योजना का मिलेगा। कब लॉन्च होने वाली है? सो ये लॉन्च होने वाली है दोस्तों 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती है, ठीक है। अनाउंसमेंट 15 अगस्त को हुआ है। इसकी शुरुआत कब होनी है? 17 सितंबर को, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में इस योजना को शुरू किया जाएगा, ताकि जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, ट्रेडिशनल वर्कर्स को हमारे देश की इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम से जोड़ने में मदद की जाए, सहायता की जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च करने के पीछे का जो उद्देश्य है, विजन बड़ा क्लियर है। इन्होंने उद्देश्य रखा है टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमीज विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी आने वाले 5 वर्षों में भारत को विश्व की जो टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वहां पहुंचाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी गई है। और विश्वकर्मा योजना की शुरुआत से ये करप्शन से जो परिवारवाद है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपयोग किए गए थे, उन सबको खत्म करना है। वो सारे के सारे जो हिंड्रेंस हैं उन्हें खत्म करना है, ताकि जो ये ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से, उनकी सहायता की जा सके, वो ऊपर उठ सके और हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बन सके। अब उनकी मदद कैसे की जाएगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो सबसे पहले देखिए, 15 अगस्त को ये योजना की शुरुआत करेगी, अनाउंसमेंट किया गया। शुरुआत तो 17 सितंबर से होनी है और 16 अगस्त को ही कैबिनेट के द्वारा 13,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ का जो अमाउंट है, जो बजट है, ये अलोकेट कर दिया गया। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का बजट अलोकेट कर दिया गया, ताकि ट्रेडिशनल वर्कर्स को सपोर्ट किया जा सके, उनके वर्क में उनका एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। अब इनकी मदद कैसे की जाएगी? तो दोस्तों, इनकी मदद के लिए सरकार ने 2 ट्रेंच बनाए हैं, जिसके तहत उन्हें क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट सबसे पहला 1 लाख रुपए तक का, ये कहला जाएगा फर्स्ट ट्रेंच, और 2 लाख रुपए का ये कहला जाएगा सेकंड ट्रेंच, ठीक है। 1 लाख रुपए का फर्स्ट ट्रेंच और 2 लाख रुपए का सेकंड ट्रेंच, और इनके लिए इनको इंटरेस्ट रेट देना है सिर्फ और सिर्फ 5%। 5% की ब्याज पर उन्हें सबसे पहले 1 लाख रुपए का ट्रेंच दिया जाएगा, फिर अगर उनका जो बिजनेस है उसे और रिक्वायर्ड होता है तो 2 लाख रुपए का ट्रेंच दिया जाएगा।
यानी कुल मिलाकर के मैक्सिमम जो लिमिट है अप टू 2 लाख है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपए तक का लोन वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें एक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी भी प्रोवाइड करी जाएगी। इस स्कीम के साथ साथ जो भी क्राफ्टमैन है उन्हें विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी ये दोनों प्रोवाइड किए जाएगी। ठीक है, और यहां पर दोस्तों इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ की बजट का अलोकेशन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 15 अगस्त 2023 को घोषणा किया गया। बट किनके लिए? जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, जैसे सोनार हो गए, लोहार हो गए, नाई हो गए, है ना, मिस्त्री वगैरह हो गए, इन सबके लिए योजना एप्लीकेबल है। जैसे विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर 7 सितंबर 2023 से शुरुआत किया जाना है। आई होप कि योजना आपको बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में समझ आ गई होगी। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, और आप भी अगर वो जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल से। जय हिंद।